जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अब तक 2 दिनों में 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रचंड प्रहार करते हुए पुलवामा में 2 और शोपियां में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक त्राल मुठभेड़ में अंसार गजवत उल हिंद का प्रमुख आतंकी इम्तियाज शाह मारा गया है, जो बुरहान वानी का चचेरा भाई था। इवनिंग से शोपियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसएसी मिला था शोपियन पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंडर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से क्लियर रेस्पॉन्सिबल डाले, अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी आईडी की यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव की यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर की यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी। हम लोग मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है, 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LED का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है एजीएस के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते गिनेट छो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नैबू त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइड आउट है, वहां फंसे। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ, जहां पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए, 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था, उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सोकॉल्ड अपने आप को एजेस का चीफ मानता था, बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार्ज दिया गया था। आपको बता दें, इन मुठभेड़ों में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए हैं। शोपिया का एनकाउंटर 8 फरवरी से चल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।